प्रसिद्ध मनुज सुर नागा अठही सभी पंथ ही लागा ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी दस मुख बस बरती नर नारी। अर्थात किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वो हट पूर्वक पड़ गया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। पता नहीं था कि आप वैसे शिकायत लेके आई थी मैं आपके पास। शिकायत? बोले अभी तक आपने मुझे अपने दूसरे रूप से नहीं मिलवाया ना, इसलिए मैंने अगर देखा तो सिर्फ आपका ही रूप। दूसरे रूप के बारे में सिर्फ सुना है मगर देखा नहीं। दर्शन कब करवा रहे हो? हाँ अपनी इकलौती बीवी की आरजू हम अवश्य पूरी करेंगे, बस थोड़ा सा समय दीजिए। हाय, मांगा भी तो सिर्फ समय, जान मांग लेते हम वो भी हाजिर कर देते। टोटल फिल्मी है। सॉरी बोल के मेरे ऊपर एहसान किया क्या तू? चल मैंने भी धक्का मारा तेरे को, सॉरी बोला तेरे को, धक्का दिया सॉरी बोला तेरे को, धक्का दिया सॉरी बोला। ओए तू सब क्या देख रहे, चल काम कर। थोड़ी देर और दिल थाम के बैठिए। ओए तेरा इलाज कराना पड़ेगा क्या? अरे मुंह क्या देखता है, चल उठ काम कर। कैसे लग रही हो? चश्मे पत्तूर, इतनी हसीन लग रही है, जान भी शर्मा जाए। हट छोटी, पक्की सही है, दूसरे से झूठ नहीं बोलती। इधर लाओ दो मुझे, मैं कहती हूँ बाकी का सिंगार। बैठो 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 ना। We'll be right back.
अच्छा अब तो मेरे सवाल का जवाब दे दो, ये राज जो आपने सबसे छुपा के रखा वो आपने मुझे क्यों बताया? क्योंकि तेरी मेरी किस्मत एक है, ना तुझे तेरे परिवार ने अपनाया ना मुझे मेरे परिवार ने। तुझे तारा से कम समझा गया, मुझे जयराज से। तेरा हक छीनकर तारा को दे दिया गया और मेरा हक छीनकर जयराज को। एक रोज जयराज जाने कहां से एक अनाथ बच्चे को लेके आ गया और मेरे मुए बाप ने उसे अपना लिया, लेकिन मुझे जिंदगी भर नहीं अपना सका वो बुड्ढा। बदल कर आई हूँ, अगर इंसान के इरादे नेक हों तो उसे छिपने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या करने आई हो यहाँ पर? जेलर साहब, जेलर साहब, जेल में एक लड़की लड़के का भेष बदल कर घूम रही है, वो भी वर्करों की लिबास में। लड़की? हाँ। कहाँ है लड़की? वो जानती हो, बचपन से ही मैंने तारा में एक दोस्त ढूंढा जो मुझे कभी नहीं मिला। पापा ने भी हमेशा सादा लाड प्यार तारा को ही दिया, और फिर जब वो चले गए तो घर की सारी जिम्मेदारी तारा ने अपने सिर पे लेने का नाटक किया। नफरत है मुझे उससे, और सबसे जो उसे खुशी देता है, हर इंसान से। ना 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 ना, बलिहारी जाओ ना, ये बेशकीमती मोती यूं ना लुटा। तेरे पास मैं हूं और मेरे पास तू, अब हम नहीं रोएंगे। अब जिन्होंने हमें रुलाया है, किन किन क्यों उंगली बजाएंगे? उंगली बजाएंगे, उंगली बजाएंगे। बाबा आप खुश हो? अंकल आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी, जूस या कोल्ड ड्रिंक? नहीं बेटा, तकलीफ मत। तो हम मिट्टी बहू से बात करना चाहते हैं, अकेले में। ठीक है, आइए बाबा, बैठिए ना। बैठो। बेटा वो हमने सुना है कि आप अपना घर छोड़कर यहाँ चले, क्यों? आपके और आदित्य से ज्यादा जरूरी कोई बात नहीं हो सकती, ना ही कोई बात इतनी बुरी हो सकती जिसे सुलझाया ना जा सके। ठीक है, अगर आप आदित्य को नहीं बताना चाहती हैं तो आप तारा बहू को बताइए, उन्होंने तो पहले भी आपकी कई बार मदद की ना, इस बार भी करेंगे। आदित्य और मेरे रिश्ते के बारे में तारा पहले से ही जानती थी। मुझे शिखावत भवन हमेशा किसी ना किसी बहाने से बुलाती थी, उसने तुम्हें कभी पता नहीं चली थी। तारा इस खेल में हमेशा से मेरे साथ। बाबा, तारा भाभी की मदद की वजह से ही बात यहां तक पहुंची है। मतलब बेटा? मैं भी यही समझती थी बाबा,
कि तारा भाभी मेरी मदद कर रही है, पर ये नहीं समझ पाई कि वो मेरी मदद क्यों कर रही है। अब जाके समझ में आया है उनकी मदद करने का कारण, क्योंकि सही वक्त पर उन्हें मेरी जरूरत थी। हम कुछ समझे नहीं बेटा, आप कहना क्या चाहती हैं? तो प्लीज छोटा सा काम कर दे, बाबा को फोन करके कह दे मैं तेरे साथ हूँ। बाबा, तारा भाभी ने मुझसे आपसे झूठ कहने के लिए कहा था कि वो मेरे पास है। असल में तो मुझे भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ है। उधर देखते वो यहां आए। मेरी पत्नी कहां है? कहां है? कहां है वो? वो वहां। चलो, ए रुक रुक, ए रुक रुक, हम चलिए। अरे ये तो लड़का है। लड़का है जेलर साहब, ऐसी दुबली पतली काया, ऊपर से सामान भी तो बड़ी नजाकत के साथ उठा के ले जा रहा था और ठुमक ठुमक के चल भी रहा था, तो मुझे लगा कि कोई लड़की है। इतने साल जेल में रह के तुम पगला गए हो, अपना भी समय बर्बाद किया और मेरा भी। चलो सब लोग काम पे लगो। हुजूर, आपके लिए कुछ चाय नाश्ता बनवाऊं? नहीं फहीम मियां। क्या हुआ हुजूर, परेशान है आप? एक बात बताइए फहीम मियां। मुझे क्या तारा बहू मैं धोखे में रख सकती है क्या? क्या मतलब हुजूर, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या वो मुझसे झूठ बोल सकती है? ये तो ऐसा सवाल है कि क्या कोयले का रंग काला हो सकता है? कुछ समझे नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? वही जो आप नहीं जानते। तारा तो बचपन से झूठ बोलती आई, जब स्कूल से गायब होती थी तो टीचर से झूठ बोलती, जब दोस्तों के साथ बाहर जाना होता था तो माँ से झूठ बोलती, और अपने दुकान के मालिक को तो जाने कितने झूठ बोले होंगे उसने। बेचारी अपने लालच की मारी हमेशा मुश्किल में फंस जाती थी। आप क्या कह रहे हैं? सच सच देवर जी, अब मृत्युंजय से शादी वाली बात ही देख लो, ये सच उसने कितने दिनों तक हम सबसे छुपा के रखा। क्यों? इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि अगर माँ को ये बात पता चलती तो वो उसका रिश्ता तोड़ देती, पर अगर ऐसा होता तो उसका ऐशो आराम में जीने का सपना चूर चूर हो जाता। मेरी बहना क्या कहना। नहीं, हम नहीं मानते। आप माने या ना माने, आपकी मर्जी। चलिए ये बता दीजिए
ऐसा क्या जो उसे झूठ बोलकर रात भर घर से बाहर रहना पड़ा? कोई जवाब नहीं है ना आपके पास? मैं बताती हूं, मेरी बहन के बस तारा बहू के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते। शांत हो जाइए देवर जी, गुस्सा क्यों होता है? ठीक है, नहीं सुनाएंगे आपको कुछ। जब चोट लगेगी तब समझ में आएगा कि जिसे भेड़ समझ रहे थे वो भेड़िया निकला। वो ब्रश देना। गुरुजी ये मेरी कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये बूढ़ी आंखें वो भी पढ़ सकती हैं जो लिखा नहीं होता। ये वही है ना जिसका नाम तुम्हें जिंदगी देता है, जिसकी यादें तुम्हारी तन्हाइयों को रोशन करती हैं। क्यों आशिक मियां, ठीक कहा ना मैंने? बेटा मुझे माफ करना, मेरी वजह से जैसे तुम पर आफत सी आ गई। दरअसल इतने सालों में जेल में मैंने यही देखा है कि बाहर से लोग भेस बदल कर यहाँ आते हैं और कैदियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा मत सोचिए गुरुजी, ये आपकी जगह पर होती तो बिल्कुल वैसा ही करते, बिल्कुल आपकी तरह है ये। जब मैं इनसे बात करता हूँ तो तुम्हारी बहुत याद आती है। पूरे जेल में यही मेरे एक दोस्त है। नमस्ते, आप निर्मला जी? जी। मुझे वार्डन मैम ने भेजा है बाबू राम का पता लगाने के लिए। आप जानती हैं वो कहाँ रहता है? जी नहीं, यहीं कहीं बस्ती में है। चलो। सुनिए, आप यहाँ पर कोई बाबू राम नाम का आदमी रहता है? जी हाँ, वो लास्ट वाले रूम। थैंक यू सो मच। अब बस पेंट का आखिरी काम बचा है, उसके बाद तुम वर्कर्स को वापस भेजा जाएगा। और हाँ, तुम दोनों अपना हाथ पटापट चलाना, इसके साथ ही हमारा काम खत्म। सुनिए, ये बाबू राम जी का घर कहाँ है? ये है। थैंक यू। जी कहीं है? बाबू राम जी का घर यही है। जी हाँ। वो है घर में? जी आइए।
कौन सा साल बताया बेटी? 1987 16 में हम आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आए। आप प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए, उस बच्चे को किसने गोद लिया था? रजिस्टर का वो पन्ना फटा हुआ था, इसका मतलब कौन गोद ले रहा है? ये बात छुपाने के लिए पन्ना फाड़ा गया था। याद कीजिए, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। वो बच्चा हमारा बेटा था। प्लीज याद कीजिए, कुछ तो याद आ रहा होगा आपको, कोई भी सबूत, कोई भी निशानी, कोई भी बात जिससे हमें यह पता चल जाए कि हमारे बेटे को आपके अनाथ आश्रम से कौन लेकर गया था। कुछ पैसे लेकर मैंने वो पन्ना फाड़ दिया था, लेकिन मेरा ईमान नहीं माना। मैंने घर आकर उस गोद लेने वाले आदमी का, जो भी मुझे याद आया, एक पर्ची पर लिख दिया था, नाम भी और पता भी।